Hi friends, you are most welcome in my YouTube channel NEET Aspirant Classes, and today we will discuss about the second chapter of human physiology, that is breathing and exchange of gases. तो इस चैप्टर को भी हम लोग टॉपिक वाइज बात करके पढ़ेंगे. सबसे पहले यदि इस चैप्टर के जनरल इंट्रोडक्शन को देखें तो ब्रीदिंग का मेन अर्थ होता है बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ गैसेस. ये ब्रीदिंग इन्हें बोलते हैं. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो गैसेस होते हैं वो टिश्यू साइट पे जा करके और ब्लड के में कैसे उनका एक्सचेंज होता है वो प्रोसेस होता है. तो हम लोग ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग के फॉर्म में हम लोग इंस्पायरेशन के थ्रू O2 हम लोग इनहेल करते हैं. और ये O2 जो होता है हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस ग्लूकोज से O2 रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट हुआ है रेस्पिरेशन का एनर्जी. और ये एनर्जी जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज टिश्यू के एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होते हैं. यदि इसके आगे जाएँ तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में अहम रोल निभाते हैं. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में देखें तो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये जो है मेनली हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं. हैबिटेट यानी एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो कॉम्प्लेक्स है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, क्योंकि बॉडी का लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स होना और वर्टिब्रेट्स होना. तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स को यदि पहले देखें तो इसमें स्पॉन्जेज आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं. इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनके मैकेनिज्म ब्रीदिंग का क्या है ये देखते हैं. तो इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो O2 का एक्सचेंज होता है और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो बाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है ओवर इंटायर बॉडी. जो बॉडी का सरफेस होता है उनके बॉडी के सरफेस पे O2 और CO2 का सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनका ब्रीदिंग होता है. कौन कौन से में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटफॉर्म्स. इसके आगे जाए तो जो अर्थवर्म होता है इनका बॉडी का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा सा इन्वर्टिब्रेट से ज़्यादा होता है और ये मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. इसके आगे इंसेक्ट्स जो होते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ये अर्थवर्म से ज़्यादा होता है. और इनमें ट्रेकियल ट्यूब्स जो होते हैं ये नेटवर्क के रूप में होते हैं, ये ट्रेकियल ट्यूब्स द्वारा इंसेक्ट्स का ब्रीदिंग होता है. इसके आगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, जितने भी एक्वेटिक होते हैं ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. इसमें भी आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. इसके आगे सबसे जो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में यदि देखें तो फिशेस जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मेमल्स ये जो होते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. और इसके आगे एम्फीबियंस भी होते हैं. एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों में मीडियम में रहते हैं, उनमें मॉइस्ट स्किन जो है इस रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है. तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स का जनरल इंट्रोडक्शन था, याद करने की वाली चीज़ें हैं. तो ये आप देख लेंगे. फिलहाल के लिए थैंक यू. और आगे हम लोग जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसके विषय में पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेक्चर को शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को जरूर लिखेंगे. थैंक यू.